कौन कौन था आप में से? आपकी क्रांतिकारी बहू की मुहिम में शामिल। बोलिए, किसने ला के दिया था उसे बॉम्ब बनाने का सामान? आपने या फिर आपने या आपने आपने? नहीं नहीं पुलिस साहब, हमें तो पता ही नहीं था कि मनोरमा एक क्रांतिकारी थी। अगर पता होता तो हम उसे बहु थोड़ी बनाते इस हवेली के। आप सब हमें बेवकूफ समझते हैं क्या? और मिस्टर विनय रॉय चौधरी, हमने तो सुना था कि आप काफी खुश थे कि मनोरमा को वॉइस रॉय साहब के स्वागत का अवसर मिला है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका साथ दे रहे थे? देखिए, आप हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं। हमारा पूरा परिवार सब में शामिल नहीं था। तुम्हारी बीवी थी ना वो क्रांतिकारी, हीना, जिसने अपनी कोठी में बम छुपाकर वॉइस रॉय साहब के यहां धमाका किया। अब तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा, सारे रॉय चौधरी जेल में सड़ेंगे। हवलदार, हवेली का पूरा कोना कोना छान मारो और इनके खिलाफ सारे के सारे सबूत यही मिल जाएंगे। कलकत्ते की मशहूर दर्जी से बनवाई है ये कोटी छोटी पत्नी के लिए। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी मेरी कोटी को हाथ लगाने की? हाँ, जाओ जाओ यहाँ से। बहू ऐसी कोटी सिलवानी है, एक दिन में ही बन जाएगी ना? हाँ बन जाएगी। अब छोटी पत्नी, मैं पहन कर जाऊंगी असली कोटी। आज मैं यहाँ जो काम करने आई हूँ वो काम मुझे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। बेहतर यही होगा तुम बंदिता को अभी के अभी यहाँ से लेकर जाओ। इस समय बंदिता मेरे रास्ते में बाधा बन रही है। तुमने अपनी ये कोटी मेरी कोटी से बदल दी है। आपको तो बस छीनना आता है, देना नहीं। नहीं बंदिता, ऐसा नहीं है। आज तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी तुम्हें तुम्हारे पति बाबू वापस में। बहुत बहुत ज्यादा दूर चली जाओगी तुम दोनों से। मैं दे देती हूँ आपको ये कोटी। बंदिता, अभी अपने कमरे में जाओ। हमें पता नहीं ना जांच पड़ताल क्या मोड़ लेगी। आप सब कुछ छोड़कर कैसे चली जाऊं मैं पति बाबू? बंदिता, आखिर वो कोटी मैंने लौटाई थी ना मनोरमा जी को, वो कोटी वापस देती नहीं ये सब होता। मेरी गलती है पति बाबू। नहीं बंदिता, मैं कह दूंगी पुलिस बाबू को। किसका सारा डर मुझे दे दिया आप सबको? नहीं बंदिता, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है बंदिता, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अंदर कुछ नहीं मिला साहब। कुछ नहीं मिला।
मनोरमा जानती थी कि उसने जो किया है उसके बाद ये सब होगा, इसीलिए वो पहले से सारे सबूत मिटा कर गई है। ढंग से तलाशी ली ना आपने? मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ तुम्हारा। तुम भी अपनी पत्नी क्रांतिकारी के साथ ही हो। भले ही वो भाग गई हो, लेकिन तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमको फांसी के फंदे पे चढ़ा के जाऊंगा। गिरफ्तार करो इसे। इसे कोई नहीं बचा सकता। ले चलो साहब। सलाम साहब, लाल बाजार से खबर आई है। उनको एक चिट्ठी मिली है। वॉयसराय साहब की जो बम धमाके में मौत हुई थी, उसकी जिम्मेदारी युवा क्रांतिकारी संगठन ने ली है। और उस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि इससे सिर्फ उन्हीं का लेना देना और किसी का लेना देना नहीं। और उसमें यह भी लिखा है कि उसका राय चौधरी परिवार से कोई लेना देना नहीं है, ना उनके पति अनिरुद्ध और ना उनकी पत्नी वंदिता का। माफी चाहता हूं मिस्टर अनिरुद्ध। मिस्टर विनय रॉय चौधरी, वी आर सॉरी। चलो। तुमने अपना वादा निभाया मनोरमा, आज भी नहीं आने दी मुझ पर और मेरे परिवार पर। धन्यवाद दोस्त, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जहां भी होगी स्वस्थ और सुरक्षित होगी। ये थाली बड़ी पत्नी के कारण नहीं गिरी। ये देखिए, ये अलता लगे हाथ के निशान बड़ी पत्नी के नहीं हो सकते। दे दूंगी तुम्हें तुम्हारे पति बाबू वापस में, आज के बाद कभी नहीं दिखूंगी। बहुत 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 ज्यादा दूर चली जाओगी तुम दोनों से। उनका नाम जिंदाबाद। आप यहाँ रॉय चौधरी हवेली में क्या कर रहे हो?
नमस्ते बोंदता, मैं मनोरमा। बोंदता, मुझे लगा था कि जब तक तुम्हें ये पत्र मिलेगा तब तक मैं अपने देश के लिए अपनी मुहिम पूरी करके शहीद हो चुकी होंगी, पर तुम्हारी दुग्गा माँ की कोई और ही इच्छा थी, बचा लिया उन्होंने मुझे और मैं खुद तुम्हें ये पत्र भेज सकी। मोंदिका, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें अनिरुद्ध जैसा जीवन साथी मिला। अनिरुद्ध सिर्फ एक अच्छा पति ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान भी है। हाँ, तुम्हारे पति बाबू सबसे अलग है और इसीलिए वो तुम्हें कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक खास सबसे अलग लड़की बनाना चाहते हैं। पांडिता, हमारे समाज में आज तुम्हें बहुत सारे ऐसे पति मिलेंगे जो अपनी पत्नियों के लिए चूड़ियां, गजरे और सिंदूर लाते हैं, पर अनिरुद्ध तुम्हारे भाग्य की लकीरें बदलना चाहता है, शिक्षा का पूरा चांद रखना चाहता है वो तुम्हारी हथेली पर। तुम सर उठाकर चल सको इसलिए पूरा आसमान झुकाना चाहता है वो तुम्हारे कदमों में। बाकी पतियों जैसा बिल्कुल नहीं है जो अपनी पत्नी से ये आशा रखते हैं कि वो घर का काम करे, नहीं बल्कि अनिरुद्ध तो तुमसे ये आशा रखता है बोंदिता कि तुम अपने पंख फैलाओ, उड़ो उड़ो, शिक्षा की वो उड़ान भरो जो तुम्हें बैरिस्टर बाबू बोंदिता बनाए। वो बैरिस्टर जिसे बनने का अधिकार लड़कियों को सपने में भी नहीं। अगर कुछ बनना ही है तो कुछ ऐसा बनो जो मिसाल बने सबके लिए, हिम्मत बने सबकी, हौसला बने सबका। बैरिस्टर बाबू बनना है तुम्हें। कई सारी लड़कियों और औरतों के लिए तुम वो सपना, सपना वो आशा की किरण बनो, ये चाहते हैं तुम्हारे पति बाबू। देखो ना बोंदिता, आज तुम्हें एक चिट्ठी लिखने के लिए, अपनी मन की बात कहने के लिए मुझे अपने क्रांतिकारी साथी की मदद लेनी पड़ी, पर तुम बोंदिता, तुम किसी पर भी निर्भर नहीं हो। तुम इतनी छोटी होकर चिट्ठी लिख सकती हो, सबके सामने अपनी बात बिना किसी की मदद के कह सकती हो। मैं जानती हूँ आज शायद तुम्हें ये बात समझ में ना आए, पर जब तुम बड़ी होकर बैरिस्टर बाबू बोंदिता बन जाओगी ना, तब तुम्हें मेरी ये बात समझ में आएगी शायद कि तुमने अपने पति बाबू के रूप में तुम्हारा वो भगवान, वो रक्षक पाया है जो दुनिया के भगवानों से लड़कर तुम्हारे लिए एक नया भाग्य लिखना चाहता है। आज जहाँ समाज में पत्नियों से त्याग की अपेक्षा की जाती है, उनसे घर संभालने की अपेक्षा की जाती है, वहाँ अनिरुद्ध ने तुम्हारे लिए उल्टी गंगा बहाई है। विश्वास करो बोंदिता, जितनी बार अनिरुद्ध ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हें कड़वी बातें कही है, फिर चाहे वो टाइपराइटर की जगह प्रेशर कुकर देना हो, वो
कॉपी फाड़ना हो लूचियां रखने के लिए या मेरे साथ बैरिस्टर की पोशाक में तस्वीर खिंचवाना हो, वो सब उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम उससे गुस्सा हो जाओ और अपना सारा ध्यान फिर से एक बार पढ़ाई लिखाई की ओर मोड़ दो, अपने अंदर फिर से एक बार बैरिस्टर बाबू बनने की आग को हवा दो। जब जब तुम रोई हो ना बोंदिता, तुम्हारे पति बाबू तुम्हारे साथ रोए हैं। तुम्हें दी हुई हर चोट का दर्द उसे भी उतना ही हुआ है। मेरी और अनिरुद्ध की शादी झूठी थी और हमारी झूठी शादी खुद अनिरुद्ध के लिए एक बहुत बड़ी सजा थी। जिसका दर्द उसने चुपचाप सहा है अकेले। सिर्फ इसलिए ताकि तुम सही रास्ते पे आ सको बांधता। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि तुम्हारे पति बाबू सिर्फ तुम्हारे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए बोंदता मेरी तुमसे विनती है कि जैसे अनिरुद्ध तुम्हें बाकी लड़कियों की तरह नहीं समझता, ठीक उसी तरह तुम भी उसे बाकी पतियों की तरह ना समझो। अपने रिश्ते को समाज के बनाए नियमों से मत तोलो जैसे बाकी लोग तोलते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि तुम्हारे पति बाबू तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते को वो सब नहीं दे रहे जो बाकी पति देते हैं। मेरा यकीन मानो बोंदता, एक दिन यही पत्नियां आकर तुमसे कहेगी कि काश हमारा भी पति अनिरुद्ध के जैसा होता। तुम्हारा और अनिरुद्ध का रिश्ता तुम्हें समाज के बनाए रीति रिवाजों और परंपराओं की स्याही से नहीं लिखना है, मेहनत से, इच्छा शक्ति से, अपने अधिकारों के रंगों से भरना है तुम्हें अपने रिश्ते को। अपने पति पत्नी के रिश्ते को वो मायना देना है कि कल को हर पति पत्नी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर उनका रिश्ता अनिरुद्ध और बोंदिता जैसा नहीं तो जरूर उनके रिश्ते में कुछ तो कमी है। बहुत सुंदर है तुम दोनों का रिश्ता बोंदिता, इसे जतन से रखना हमेशा। बोंदिता, अनिरुद्ध तुम्हें सिर्फ एक लड़की, एक औरत या एक पत्नी नहीं, क्योंकि वो तुम्हें सरस्वती मानता है। वो सरस्वती जिसे पूछते तो सब है पर कोई ये नहीं चाहता कि वो उसकी बहन, बेटी या पत्नी बने। अनिरुद्ध तुम्हें वो शक्ति का रूप मानता है जो समाज की बनाई सारी कुरीतियों का विनाश करेगी, वो शक्ति जो औरतों को अपने हिस्से का अधिकार दिलाएगी। मैं जानती हूं बोंदिता, रास्ता बहुत कठिन है पर बोंदिता अगर तुम अनिरुद्ध की शक्ति बन जाओगी ना तो समाज के बनाए हर मुश्किल को वो पार कर लेगा। तुम्हारे साथ मिलकर वो ऐसा रास्ता बनाएगा जिस पर चलकर हर लड़की, हर औरत अपना हर एक सपना पूरा कर सकेगी। और मैं जानती हूँ बोंदिता, तुम ऐसा जरूर करोगी। मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा, सरस्वती बाबू सही कहते हैं। बहुत अच्छी हो आप, बहुत ज्यादा अच्छी।
पे जाने क्यों भरोसा है तुझ पे, मैं ना समझ ज्ञानी है तू, मैं धूल हूँ आसमां तू, मैं हूँ इस मिट्टी से बिला For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.